गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली के नेतृत्व में शहर के टावर चौक पर केंद्र सरकार के द्वारा रसोई गैस में 50 रुपए और कमर्शियल गैस पर 350 रुपए वृद्धि के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी है, तब से लगातार महंगाई आसमान छू रही है और इसी को लेकर कल भी केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस पर 50 रुपये और कमर्शियल गैस पर 350 रुपये की वृद्धि की है, जिसके विरोध में आज हम लोगों ने भारतीय युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के द्वारा शहर के टावर चौक स्थित हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन करके विरोध जताया। और हम लोग ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि देश की जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है और देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता की बिल्कुल चिंता नहीं है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री को देश की चिंता करते हुए, देश की जनता की चिंता करते हुए महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए, नहीं तो हम लोगों का निरंतर इस तरह का कार्यक्रम जारी रहेगा। जय हिंद।